शनि शक्तिधाम नेगी जलाशय में हुई चोरी। शनि देव के शरण में आया भक्त निकला चोर। 15 दिनों तक शनि शक्तिधाम में था निवास। मैनपुर निवासी अनिल निर्मलकर है चोरी करने वाला युवक। शनि शक्तिधाम के पुजारी अशोक दास ने देवभोग थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मैनपुर में ही पकड़ी गई चोर। दान पेटी में नगद 25,000, सोना 26 ग्राम, गले की हार और एक जोड़ी कान के झुमके सहित लगभग 2,50,000 रुपए की संपत्ति चोरी कर चोर फरार हुआ था, जिसे गरियाबंद पुलिस अधीक्षक J.R. ठाकुर के दिशा निर्देश पर मैनपुर पुलिस ने धर दबोचा। आगे की कार्यवाही करने हेतु देवभोग पुलिस को सुपुर्द किया गया है। में यहाँ जब से नई जलाशय में स्थापित किया, शिला स्थापित के बाद 4 बार वो लड़का ही चोरी किया। हमने जानते थे पर उसको कुछ नहीं बताया। क्या एक दिन यहाँ 51 रुपया था हार में शनिदेव का, वो भी चोरी किया। एक दिन पुस्तक में 500 रुपया था, उसी को भी चोरी किया हमने जाने। एक दिन हमारे बजरंगबली का पुजारी श्री पतिराम यादव जी की मोबाइल को भी चोरी किया। हमने सोचा कि ये कैसा चोर होगा, इतना भोला आदमी, और हम उसका भोलापन का शक दिमाग से नहीं हटा दिए थे। पर लास्ट में जो हमारे मंदिर का दान पेटी और सोना चांदी पैसा कौड़ी जब अंजाम लगाया ना, और जो चोरी करके भगा ना, तब हमें पता चला। अगर वो चोरी करके यहाँ रहता तो भी हमें पता नहीं चलता कि वो चोर है बोल के। वो भगने के बाद ही हमें पता चला है कि ये ही चोरी करके भगा है। और जहाँ हमारे आदमी लेके मदांगमुड़ा के पास छोड़े उसको, तो ये मदांगमुड़ा जिसके घर के सामने छोड़े उसी के घर में टंगिया हंसिया मांगा और उस दान पेटी का ताला को थोड़ा और वहाँ का पैसा सोना चांदी निकला है, तो वो सामने वाले भी टंगिया हंसिया देने वाले भी मौजूद गवाह है। शनिदेव कि एक महाराज है, गरीब लड़का है, उसके पीछे जब से मंदिर हुआ तब से उसका पीछे मैं हर समय रहती हूँ, हर समय उसका देख रेख करती हूँ। तो बोला कि शुक्रवार का दिन मैं भी आई थी, तो बोला कि क्या ले रहे हो रे लड़का, बोले तो कुछ नहीं ले रहा हूँ बोली। तो लड़का को बोला ए लड़का ते जितना उतावली मत हो तोला जेल ही हो ही बोल के बोले रहे हैं भैया, तो लड़का ला जेल होगी। चोरला मैं बोला ना तोला जेल हो ही बाबू, तो यहाँ से जाता तोला जेल हो ही बोल रहे हैं। शनि देव कृपा से लड़का ला जेल होना चाहिए। तो ये घटना जैसे अंजाम हुआ तो आप लोग किसको सूचना दिए और किस किस को सूचना दिए और आज पकड़ने में वो जो है? हम SB साहब को बोले कि हम रिपोर्ट किए हैं, बघेल साहब के पास में रिपोर्ट दिया। उसके बाद SB साहब को बोले कि लड़का को तत्काल पकड़िए सर, ये चोर है, ये अनिल नाम का लड़का है, जयंती नगर में है बोल के मैं SB साहब को फोन किया। SB साहब पकड़े। SDP साहब महाराज की जय। जी हाँ, हमें खबर मिली है कि यहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी ये सत्य है, पर अनजान व्यक्ति तो नहीं है, जान व्यक्ति ही है, उसे हम भलीभांति जानते हैं उस व्यक्ति को, पर ये हमें पता नहीं था कि वो चोर है बोल के। तो घटना कब हुई? घटना शुक्रवार को सुबह हुआ। हमने यहीं पे भक्त लोग, 2-4 भक्त आ गए, भक्त के साथ बातचीत में उधर व्यस्त हो गए और वो चोर जो है ना अंदर प्रवेश किया और उसके साल और चद्दर और कुछ हमारे घर की ब्लैंकेट में भगवान प्रभु श्री शनिदेव की एक दान पेटी था जो उसमें लोगों का दिया हुआ चढ़ावा 25,000 रुपया नगद कैश था और उस पेटी के अंदर मेरे बीवी की कुछ जेवर था। तो इस घटना को लेकर आपने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ जी हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाया। कल रिपोर्ट दर्ज करवाने के पश्चात वो चोर भी पकड़ा गया और चोर को पकड़ने में मैनपुर पुलिस कामयाबी हासिल की, जिसमें SDP साहब का बहुत बड़े भूमिका है, जिसमें चोर को पकड़ने में मेरा मदद किया। तो चोर को पकड़ने में कब कामयाबी हासिल हुई पुलिस? आज अभी जस्ट 1 घंटा हो रहा है। किस थाना से पुलिस ने दर्दा? मैनपुर थाना पुलिस ने चोर को मैनपुर जयंती नगर में गुरुवारू के घर में बैठ के चोर गांजा पी रहा था और वहीं उसको पकड़े मुखबिर के द्वारा। हमें सूचना मिला, सूचना मिलने के तहत हमने SDP साहब को जानकारी दी। SDP साहब को जानकारी देने के पश्चात तो SDP साहब ने अपने टीम के साथ जाके चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और अभी देवभोग पुलिस को बुला के सौंप रहे हैं, सौंपेंगे, उसके बाद हमें देवभोग जाना पड़ेगा। तो चोर जो चोरी किया है क्या वो भक्त बन के यहाँ पे आया? हाँ जी हाँ, वो भक्त बन के 15 दिन तक तब यहाँ आश्रय में था। जैसे ये भक्त जितने भी देख रहे हो आप, ये सब इस मंदिर के आश्रय में है, ये सब भक्त मंदिर के आश्रय में यहाँ है। इन लोग को भी हो गया दो दो सप्ताह,
तो क्या किस 15 दिन यहाँ पे रहते हुए ये काम किया है? जी हाँ, तो हमें तो पता नहीं कि किसके तकदीर में चोर तो लिखा नहीं है, भाग्य में उसका कपार में माथे में तो चोर लिखा नहीं है, तो हम कैसे जाने कि ये चोर है या भक्त है। कहाँ का रहने वाला है? परापर रहने वाला है, मैनपुर की, मैनपुर बाजार पारा है, थाना के जस्ट थाना के बगल में उसका मकान है। लड़का का नाम है अनिल, अनिल नागेश, वो जात का निर्मलकर धोबी है और उनके पिताजी के नाम है ठेमा नागेश, जात की धोबी है, निर्मलकर है। और मैंने कनिमत उसका फोटो पहले से, मेरे मंदिर का नियम है कोई भी अनजान व्यक्ति यहाँ रहता है तो वो भक्त अगर यहाँ आश्रय लेके रहता है तो उसका आधार कार्ड और फोटो हमने लिंक करके रखते हैं, तो उस माध्यम से हमने पकड़ा गया वो चोर जो शुक्रवार को सुबह लिया, हमारे ही मंदिर का गार्ड को छोड़ने के लिए बोला वो, तो हमारे व्यक्ति क्या जाने कि ये चोरी करके जा रहा है बोल के। उनको पूछे कुछ लोग कि तू इतना बड़ा बोचका में क्या लेके जा रहा है, वो बोला कि मेरे नहीं, मेरा कपड़ा उपड़ा ब्लैंकेट वगैरह है उसी को ले जा रहा हूँ, रास्ता में बैग खरीदूंगा और पैक करूँगा यही सोचा। लोग वही भोर में चलो कोई बात नहीं ऐसे बोले। हाँ हम बताएंगे, दान पेटी में आपका क्या क्या? हेलो, मेरा कान का टॉप्स था, हार था, उसमें 25,000 पैसा था, फिर मेरा पायल भी था उसमें, और मेरे पूरा कागजात था, सर्टिफिकेट, अंक सूची वगैरह, आधार कार्ड सब था, उसको सबको फाड़ कर फेंक दिया वो लड़का, कागजात को फाड़ कर फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया सबको, और पूरा गहना वहना सब लेके गया, सब लेके गया। गहना में से क्या क्या था उनको पूछिए ना साहब, बताए। मैनपुर से ईश्वर सिंह यादव, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।